सात दिन 6 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। पिछले कई दिनों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले गुरुचरण सिंह लापता हैं। पुलिस की अब तक की जांच में कई बातें सामने आ चुकी हैं, जैसे गुरुचरण सिंह की शादी होने वाली थी और वो आर्थिक तंगी से भी परेशान थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है गुरुचरण की आखिरी लोकेशन की जानकारी, जो कि काफ़ी हैरान कर रही है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक एक्टर की लास्ट लोकेशन डाबड़ी इलाके में मिली है। इसके बाद से उनका फ़ोन बंद आ रहा है। बता दें कि डाबरी दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक आवासीय कॉलोनी है। ये द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे पहले दिल्ली पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज भी लगी थी। इस फुटेज में गुरुचरण सिंह को रात के 9:15 पर दिल्ली के पालम इलाके में परशुराम चौक पर कहीं जाता हुआ देखा जा सकता है। CCTV में गुरुचरण पैदल चलते नजर आ रहे हैं। उनकी पीठ पर बैग भी है। गुरुचरण सिंह के फैमिली ने हमें एक कंप्लेंट लॉज की थी कि वो 22 अप्रैल को शाम को 8:30 ही वॉज अबाउट सपोज टू ट्रेवल टू मुंबई और फिर वो आ नहीं गए, तब से ही वो मिसिंग है। इसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया है और वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन मल्टीपल एंगल्स। बेसिकली हम इसमें फुटेजेस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें हमें वाइटल क्लूज अभी काफ़ी मिले हैं, उसी पे भी हमारी टीम्स काम कर रही हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो हमने जो केस रजिस्टर किया अंडर 365 IPC, जो अबडक्शन के सेक्शंस में हमने केस रजिस्टर किया, और जो हमें इनिशियल प्रूफ जो है हमारा जो है कि CCTV में जो मूवमेंट दिख रहा है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और इसके कॉरोबरेटिव टेक्निकल एविडेंसेस को भी एनालाइज कर रहे हैं। अभी तक हमें जो इनिशियल प्रूफ जो हमें दिखी है उसमें वो एक बैकपैक लेके और जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, तब तक पुलिस की कई टीमें CCTV कैमरे और मोबाइल फोन लोकेशन के आधार पर गुरुचरण की तलाश में जुटी हुई हैं। इस वक्त गुरुचरण को लेकर तमाम तरह की खबरें मीडिया में चल रही हैं। ताज़ा जो अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक एक टाइम पर कर्ज में डूबकर गुरुचरण घर छोड़कर मुंबई आ गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुरुचरण ने अपने कर्ज के बारे में बात करते हुए एक यूट्यूब चैनल से कहा था कि वो बेहद मुश्किल दौर था। वो कर्ज चुकाना चाहते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। गुरुचरण ने कहा, उस स्थिति में सड़क पर खड़े होकर मैंने सीधे भगवान से कहा, कर्जदारों को बार बार सुनना पड़ता है, अगर आपने ये ज़िंदगी दी है तो आप बदल भी सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता कि हम उनके पैसे नहीं लौटा सकते तो आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं आत्महत्या बिल्कुल नहीं करूँगा। इसके बाद गुरुचरण सिंह ने प्लॉट बेचकर उधार का पैसा वापस कर दिया। इसके बाद गुरुचरण मुंबई चले गए और 7 साल तक तारक मेहता सीरियल से जुड़े रहे। इसके बाद साल 2020 में गुरुचरण के तारक मेहता शो छोड़ने की खबर आई और पता चला कि शो के प्रोड्यूसर असित मोदी के साथ उनका विवाद हो गया है, जिसके बाद असित मोदी एक्टर के बकाए पैसे देने में भी आनाकानी करने लगे। इसके बाद एक बार फिर शो में डिमांड की वजह से गुरुचरण को वापस बुलाया गया, लेकिन पिता की बीमारी की वजह से एक बार फिर से गुरुचरण ने हमेशा के लिए तारक मेहता छोड़ दिया। पिंक विला वेबसाइट के मुताबिक गुरुचरण सिंह का जन्म 1 जनवरी 1970 को हुआ। उनकी शिक्षा दिल्ली में पूरी हुई। करियर की शुरुआत में गुरुचरण ने प्रिंट विज्ञापनों के लिए काम किया है। इसके बाद साल 2008 में उन्होंने सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से अपना टेलीविजन सफर शुरू किया, लेकिन उनके गायब होने की खबर से उनके फैंस और उनकी फैमिली काफ़ी परेशान है और उनकी सलामती के लिए लगातार दुआ मांग रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुचरण सिंह 22 अप्रैल को पालम स्थित अपने घर से मुंबई जाने के लिए निकले थे और तभी से वो लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।